आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स होते हैं और ये इस तरह के सिग्नल पे काम करते हैं जो कि 1010 इस तरह से मिलके बना होता है। ये एनालॉग सिग्नल यानी कि ये कुछ इस तरह का सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल इस पर काम नहीं करते हैं। और इनमें इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। इनमें से जो पहले 3 हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, वो बेसिक गेट्स बोले जाते हैं क्योंकि इनकी मदद से, तीनों की मदद से हम बाकी गेट्स को बना सकते हैं। नैंड गेट को जैसे बनाना है तो हम एंड और नॉट को यूज कर सकते हैं तो नैंड बन जाएगा, तो इसलिए इनको बेसिक गेट्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पहला गेट यानी कि और गेट की। तो और गेट का जो सिंबल होता है यानी कि जिसका प्रतीक होता है वो इस तरह का होता है जिसमें ए बी ये दोनों इनपुट होते हैं जिनकी हमें वैल्यू देनी होती है और वाई जो होता है वो आउटपुट होता है यानी कि यहां से आपका आउटपुट आएगा। तो इसमें आउटपुट और इनपुट में जो रिलेशनशिप होता है वो y इक्वल टू ए प्लस बी होता है जो कि बुलियन एक्सप्रेशन है। अब हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सत्यता सारणी बनाते हैं। तो सत्यता सारणी में कुछ नहीं है, बस इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज होती हैं। तो a और b यहां पर इनपुट है और y आउटपुट है, तो a और b की हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए आउटपुट y लिखेंगे, वही सत्यता सारणी है। तो a और b की अगर मान लीजिए वैल्यू है 0 0, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0, 0 और 1 है तो 0 प्लस 1 1, 1 और 0 है तो 1 प्लस 0 1, और 1 और 1 है तो भी यहां पर 1 आता है। यहां पर 2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 और 1 में ही चलता है सब कुछ, तो 1 प्लस 1 भी यहां पर 1 होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं एंड गेट की तरफ। तो एंड गेट जो होता है वो इस तरह का दिखता है। यहां पर सिंबल को याद करने के लिए आप ये जो पीछे का डी है एंड का, वो इस तरह का ही सिंबल होता है डी टाइप का, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पर भी सेम है, ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, लेकिन यहां पर जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ए इंटू बी हो जाता है यानी कि दोनों को गुणा करना होता है। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो वही हमने इनपुट ए और बी ले लिया है और आउटपुट वाई है, तो ए और बी मान लीजिए 0 0 है तो 0 इंटू 0 0, अगर 0 और 1 है तो 0 इंटू 1 फिर से 0, अगर 1 और 0 है तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 है तो अब यहां पर 1 आएगा तो 1 आ गया। तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरे गेट की तरफ यानी कि एंड नॉट गेट की तरफ। तो नॉट गेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है उल्टा करना है, यानी कि ए जो है वो इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो वाई जो होगा वो जो इनपुट होगा उसका उल्टा होगा यानी कि 1 है तो 0 होगा और अगर 0 है तो 1 होगा। तो इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जहां पर यहां पर आगे की तरफ ट्रायंगल में यहां पर एक गोला लगा हुआ है और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो वाई इक्वल टू ए डैश यानी कि ए जो है उसका उल्टा करना है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ये इनपुट है ए और आउटपुट है वाई, तो इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट आपका 1 आएगा यानी कि 0 का डैश यानी कि 1, और अगर 1 है तो 1 का डैश यानी कि 0। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल भी हम लोगों ने बना ली है। अब ये हुए बेसिक गेट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं नैंड गेट की तरफ। तो ये जो गेट है वो
एंड गेट और नॉट गेट दोनों से मिलके बना होता है। यहां पर आप ध्यान रखिए, जो ये आगे वाला जो पार्ट है एंड गेट के, वहां पर एक डॉट लगाया हुआ है, यानी कि गोला लगाया हुआ है छोटा सा, तो उससे हमको पता चलता है कि ये एंड है और यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है, यानी कि नॉट और एंड का मिक्स है ये, तो इसको नैंड गेट बोलते हैं। तो इसमें भी दो इनपुट होते हैं, ए और बी, और वाई होता है आउटपुट। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार, यानी कि इसका उल्टा करना है, ए जो बी, ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका उल्टा करना है। तो यहां पर हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए और बी ये इनपुट हो गए और वाई आउटपुट हो गया। अब वाई इक्वल टू होगा ए इंटू बी का बार, यानी कि जीरो इंटू जीरो, ये हो गया जीरो, लेकिन जीरो का बार, यानी कि जीरो का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका वन। फिर जीरो और वन होगा तो जीरो इंटू वन, यानी कि जीरो, लेकिन इसका फिर उल्टा, यानी कि वन। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, वन इंटू जीरो, ये हो गया जीरो और जीरो का उल्टा वन। अब यहां पर वन इंटू वन, तो ये हो गया वन, लेकिन वन का उल्टा, यानी कि जीरो। तो इसकी हमने ट्रूथ टेबल बना ली। तो यहां पर एक बात ध्यान रखने लायक है, जो नैंड गेट होता है उसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब यूनिवर्सल गेट इसको क्यों बोलते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट से हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं, वैसे ही नैंड गेट से भी हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। आपको और गेट भी बना सकते हैं इससे, एंड गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं, नॉर गेट बना सकते हैं, तो इससे हम बाकी गेट भी बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो अब चलते हैं हम पांचवे गेट की तरफ, जो कि है नॉर गेट। तो ऐसे जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और नॉट, यानी कि ये और गेट और नॉट गेट का मिक्सचर है, यानी कि उसके दोनों को मिला के बनाया हुआ है। तो यहां पर भी एक सामने के साइड पे जो है और गेट के सामने एक गोला छोटा सा बनाया हुआ है, जो कि नॉट गेट का सिंबल है। तो यहां पर ए और बी जो है वो इनपुट है, वाई जो है आउटपुट है, और वाई इक्वल टू ए प्लस बी का डैश, यानी कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है, जो ए प्लस बी जो आपका आएगा उसका उल्टा करना है। तो इसकी ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं, ए बी ये इनपुट हो गए, वाई आउटपुट। अब ए और बी का वैल्यू मान लीजिए जीरो जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा आपके पास जीरो, लेकिन उसका उल्टा, यानी कि वन। फिर हम चलते हैं जीरो और वन, तो जीरो प्लस वन, यानी कि वन, लेकिन वन का उल्टा, यानी कि जीरो। अब फिर वन और जीरो हो तो वन प्लस जीरो, यानी कि वन, वन का उल्टा जीरो। वन प्लस वन, यानी कि वन, वन का उल्टा जीरो। तो इसकी ट्रूथ टेबल भी हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन गेट के उपयोग की, यानी कि ये कहाँ काम आते हैं ये। तो ये जो गेट होते हैं वो डिजिटल वॉच, यानी कि आपने देखा होगा कुछ घड़ियां जो होती है उनमें तो सुई लगी होती है, वो सुई घूमती है तो टाइम बताती है, वो दूसरी घड़ियां होती है, वो एनालॉग वॉच होती है। ये डिजिटल वॉच है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ नंबर दिखाए जाएंगे। तो उस तरह की जो वॉच होती है वो उसमें डिजिटल गेट का यूज होता है। कंप्यूटर्स, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो जीरो और वन की भाषा को ही समझता है, बाइनरी पद्धति में काम करता है, तो वहां पर भी लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा, कैलकुलेटर भी डिस्प्ले जो करता है वो एक LCD टाइप का होता है, उसी में हम लोग यहाँ पर वन जीरो समथिंग दिखाता है, तो उसमें भी इनका डिजिटल गेट्स का उपयोग किया जाता है, लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।